आ रही है आवाज? दोनों खोल दिया इसे मैंने, दोनों खोल दिया। ठीक है, ये वॉइस वाला, ये वाला वॉइस वाला, ऐसे ही वाला, ये वाला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आप सबका आज का ये सेशन शुरू होने जा रहा है, तो चलिए साथियों एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए चलिए सभी साथी मिलकर क्लास को शेयर करेंगे। चलो सभी साथी मिलकर एक बार सेशन को शेयर करेंगे। चलिए आर्मी लवर, यहां से वॉइस क्लियर है, इस तरफ से वॉइस के सारी क्लियरेंस है, आप लोग बताओ जरा। चलो तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आपके आज के सेशन का। तो प्रश्न आपके सामने क्या आता है, तुलसीदास ए पोएट हु लिव्ड ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में रहने वाले कवि तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामचरितमानस लिखी? जल्दी बताओ, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया था ये बताओ जरा। चलो रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया था जल्दी बताओ। रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस, चलो देखो, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। इसके सात खंड हैं, क्या हैं इसके सात खंड हैं याद रखिएगा, इसके कितने खंड हैं? इसके सात खंड हैं। इसके कितने खंड हैं? इसके सात खंड हैं। इसके कितने खंड हैं? इसके सात खंड हैं। ठीक है, इसके कितने खंड हैं? सात खंड हैं, ये बात याद रखिएगा। 16वीं सदी में, कितने में? 16वीं सदी में। ठीक है, इसे कब? बिल्कुल, इसे 16वीं सदी में कंपोज किया गया था, लिखी गया था तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। द वर्ड रामचरित्र का मतलब है लेक ऑफ द डीड ऑफ रामा। ठीक है, इसे इंग्लिश में और भी कहा जाता है रामचरितमानस को, लेक ऑफ डीड ऑफ रामा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, वो क्या आता है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या है? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी, कैलीकट, कोचीन, गोवा।
पौंडीचेरी कैलीकट कोचीन गोवा, जल्दी बताओ जरा। कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। वाह, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं फ्रेंच इन्वेजन इन इंडिया, फ्रेंच इन्वेजन इन इंडिया। ये फ्रांसीसी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे आखिर में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी, ये सबसे आखिर में भारत आने वाली कंपनी थी। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, ये सबसे ज्यादा आखिर में आई और सबसे ज्यादा इस कंपनी के ऊपर स्ट्रांग होल्ड वहां के राजा का रहता था। मतलब छोटे से छोटा डिसीजन भी वहां के प्रशासन से पूछ कर लेना पड़ता था। हालांकि फिर भी इनको डुप्लेक्स नाम का एक बहुत ही काबिलियत वाला एक गवर्नर जनरल मिला था भारत में, जिसने बड़े स्ट्रांग डिसीजंस लिए थे और फ्रेंच के हाथ में बहुत बड़ी टेरिटरी भी की थी। ठीक है, ये पौंडीचेरी कहां पर की बात कर रहे हैं, पौंडीचेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पौंडीचेरी फ्रेंच के हाथ में थी, ये बात याद रखना। ये भारत रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक, ये कौन कौन से एरियाज इनके कंट्रोल में थे, एक तो भैया इनके कंट्रोल में पौंडीचेरी था, उसके बाद इनके कंट्रोल में कराईकाल था। ठीक है, इसके कंट्रोल में क्या था, कराईकाल था, उसके बाद क्या था, येनाओन था, इसके बाद क्या था, येनाओन था। ठीक है, ये सारे एरियाज इसके कंट्रोल, माहे भी इसके कंट्रोल में था, याद रखिएगा, चांदेर नगोर टेरिटरी में भी ये पहुंचे थे। जो कॉलोनी ऑफ फ्रांस जो यहां पर इनकी बनी थी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी कॉलोनीज इनकी इंडिया में बनी थी, ये बात याद रखना। 1664 से लेकर 1664 से लेकर 1947 तक इनका कॉलोनियल रूल रहा है भारत में। ठीक है, भारत में मतलब 47 भी नहीं कह सकते, ज्यादा ही रहे हैं ये लोग तो, 1954 तक, क्योंकि सारे इलाके खाली करवाने में, इन एरियाज कंट्रोल में करने में काफी समय लग गया था। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, जो सबसे पहली फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कहां पर हुआ था इनका, जो इनकी सबसे पहली फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट सूरत में हुआ था, सूरत में 1668 में, 1668 में। अगला प्रश्न क्या है, पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति हैं, विच फेमस इंडियन पर्सनालिटी इज द फाउंडर ऑफ द पानिनी फाउंडेशन। पानी फाउंडेशन के संस्थापक से प्रसिद्ध, जल्दी बताओ जरा। विच फेमस इंडियन पर्सनालिटी, जल्दी बताओ जरा। देखो क्या इसका आंसर बनता है, सी इसका आंसर बनता है। चलो अगला प्रश्न क्या है, सातवीं शताब्दी की शुरुआत के साथ थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा। सातवीं शताब्दी की शुरुआत के साथ थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा, कृष्णदेव, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोला प्रथम या चंद्रगुप्त, जल्दी बताओ जरा। कन्नौज की गद्दी पर बैठने वाला कौन था, हर्षवर्धन, क्या नाम था उसका, वर्धना, जो वर्धना डायनास्टी है, वर्धन डायनास्टी। ठीक है, बिल्कुल, वर्धन डायनास्टी। बहुत सही, क्या है, वर्धना डायनास्टी, वर्धना डायनास्टी, बिल्कुल। ये हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक गद्दी में बैठता है,
606 से लेकर 600 इसे किंग ऑफ थानेश्वर भी कहा जाता है, इसे किंग ऑफ थानेश्वर भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन का ये क्या था, पुत्र था जो हुन इन्वेडर थे, हुन इन्वेडर जो पश्चिम की तरफ से हुन इन्वेडर आए थे, प्रभाकर वर्धन उनको रोकने वाला था। ठीक है, काफी बड़ा साम्राज्य था याद रखिएगा। हर्षवर्धन अरुण सवा इसके बाद अगला सक्सेसर इसकी गद्दी पर बैठने वाला था। चलिए अगला प्रश्न, हु इज द को फाउंडर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर कौन है? देखो क्या इसका आंसर बनता है, राहुल भाटिया। अगला प्रश्न, विजय अमृतराज वॉज ए लेजेंडरी इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, किस खेल से जुड़े हैं? देखो लॉन टेनिस के साथ जुड़े हैं, लॉन टेनिस। चलो अगला प्रश्न, ताला ताल घर इज द हिस्टोरिकल मूवमेंट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ताला ताल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? ताला ताल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है, कहां पर? बल जल्दी बताओ जरा। चलो असम, क्या इसका आंसर बनता है, असम इसका आंसर बनता है। चलिए अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, तुंगभद्र, गोदावरी या फिर कृष्णा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो गोदावरी नदी, कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो इसका उदय कहां से होता है, त्र्यंबकेश्वर से होता है, त्र्यंबकेश्वर से इसका उदय होता है, ये बात याद रखना। ठीक है बिल्कुल, 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, कारण क्या है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी और उसके बाद की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, विच डिजीज अमंग द गिवन ऑप्शन स्प्रेड वाया पिग्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग सुअरों से फैलता है? नीपा, स्वाइन फ्लू, जीका, प्लेग, जल्दी बताओ। स्वाइन फ्लू, क्या इसका आंसर बनता है, राइबोफ्लेविन प्रेजेंट इन फिश, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन, मछली में मौजूद राइबन फ्लेविन को इस रूप में, किस रूप में भी जाना जाता है, मछली में स्थित, देखो विटामिन B2। अगला प्रश्न, विच माउंटेन पास इन द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, विश्व के किस पर्वतीय दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, मतलब कि एक ऐसी सड़क जिसके ऊपर मोटर व्हीकल चलाए जा सकते हैं, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब कुछ, जल्दी बताओ जरा कौन सी सबसे ऊंची सड़क है। ऑप्शन है आपके पास के, जीपला दर्रा, नथुला दर्रा, शिपकिला दर्रा, डंगरियाला पास। सभी साथी बताना है, सभी साथी बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे पहली बात तो डंगरियाला पास है कहां पर, उत्तराखंड राज्य में, डंगरियाला पास है कहां पर उत्तराखंड राज्य में, 5632 मीटर की ऊंचाई के साथ ये सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनती है, ये दो जगहों को अपने साथ कनेक्ट करने का काम करती है। असल में यहां पर रोड्स बनाने का जो जिम्मेदारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मिलती है। अगला प्रश्न,
The production of a commodity through natural process is an active activity associated to which sector of the Indian economy? Production of commodity. प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन. प्राकृतिक मतलब नेचर, कुदरत की तरफ से जो भी प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम किसी चीज किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो किस कौन सी वस्तु मानी जाती है, जल्दी बताओ. देखो, नेचुरल तरीके से हम फसलें उगाते हैं, ऐसा ही होता है. नेचुरल तरीके से मछली की पैदावार होती है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर आ गया. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरी गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट. राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? जॉन मैनार्ड कैनीस, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रेडमैन या जॉन नैश, जल्दी बताओ जरा. देखो क्या इसका आंसर बनता है, जॉन मैनार्ड कैनीस. थयाम इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. थयाम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थयाम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? देखो केरला का. थयाम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? केरला का. चलो अगला प्रश्न. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? 2011, 13, 14 या 12, जल्दी बताओ जरा. देखो क्या इसका आंसर बनता है, 2013. चलो अगला प्रश्न क्या आता है. द मूवमेंट ऑफ ए हॉर्स ड्रान कैरिएज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओम्स लॉ, आर्किमेडीज प्रिंसिपल या एवोगाडो लॉ, जल्दी बताओ जरा. देखो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि खींची हुई गाड़ी की गति भौतिकी के सिद्धांत पर होती है. ठीक है, चलो. कौन से शहर में जो अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स है वो करवाया जाएगा? कौन से शहर में अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स कराया जाएगा? बीजिंग में. कहां? चाइना, बीजिंग में. अगला प्रश्न क्या है. द फेस्टिवल ऑफ हरेली. हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य द्वारा मनाया जाता है? हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य द्वारा मनाया जाता है, जरा ये बताओ. देखो क्या इसका आंसर बनता है, पंजाब के द्वारा हरेली का त्योहार मनाया जाता है. चलो अगला प्रश्न. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 ने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जल्दी बताओ. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 2018 ने किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, जल्दी बताओ जरा. देखो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या जरूरत है, सिंपल सा बात है. आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, कुछ खाने वाला प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आपने जो पैसे पिए किए हैं आप उसको वैल्यू मिलनी चाहिए. अगर खाने का प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो कोई वैल्यू मिली है तो भैया उसमें कुछ ऐसी गलत चीज़ें ना हो जो आपकी इल हेल्थ करें, आपसे ज़्यादा पैसे ना इठे जा रहे हों, गलत चीज़ें ना की जा रही हों. ये सब चीज़ों के तहत ये बिल के ऊपर काम होता है, ये बात आप याद रखिएगा. चलो आजाद रिश्ता इंडिका इज द बोटैनिकल नेम ऑफ विच एवर ग्रीन ट्री फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. आजादी रक्षा इंडिका
भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? कड़ी का पेड़, देवदार का पेड़, गढ़हल का पेड़ या मरगोसा का पेड़? लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद वॉज अ टाइटल ऑफ ए बुक रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है? जल्दी बताओ, किस पुस्तक द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है? क्या इसका आंसर बनता है? ट्विंकल खन्ना। क्या इसका आंसर बनता है? ट्विंकल खन्ना। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर? देखो, अर्थ धरती का एटमोस्फेयर, ये धरती की एक परत मान लो, सिंपल सी बात है। धरती का एटमोस्फेयर शुरू कहां से होता है? ट्रोपोस्फेयर से शुरू होता है और सबसे ऊपर क्या आता है? एक्सोस्फेयर। सबसे भारी परत क्या आती है? एक्सोस्फेयर आती है। सबसे भारी परत क्या आती है? एक्सोस्फियर। सबसे अंदर वाली ट्रोपोस्फियर। अब वो कह रहे हैं कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर कहाँ? एक तो O3 ओजोन लेयर होती है। आजकल ओजोन लेयर वैसे धरती की करीब समीप ट्रोपो जो सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फियर, उसमें शोप मंडल उसमें भी देखने को मिल जाती है। लेकिन हालांकि इसका जो बड़ा एरिया है वो स्ट्रेटोस्फियर की परत है। इसमें ट्रोपोपोस और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अंदर ये ओजोन की परत है, याद रखिएगा, ठीक है? चलो, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। द ह्यूमरस इज ए पार्ट ऑफ, ह्यूमरस किसका भाग है ये बताओ? ह्यूमरस किसका भाग है, किसका हाथ है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंध को बदलना था? जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में आते हैं? संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार हैं। संविधान का तीसरा भाग आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक बनते हैं वैसे, लेकिन कोर भाग इसका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक बनता है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार न्यायवादी होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अगर आप चाहो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो, वहां पर अपने मौलिक अधिकारों को आप हासिल कर सकते हो, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। फसल का त्योहार पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अनगामी, गारो, कोडवा या मोनपा? जल्दी बताओ जरा, क्या इसका आंसर आता है? कोडावा। चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विक्रम सेठ की एक पुस्तक है? द ओशन ऑफ चर्न, रिवर ऑफ स्मोक, रॉयट एट मिश्री मंडी या मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस? मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, जल्दी बताओ जरा।
देखो क्या आता है, रॉइट एट मिश्री मंडी। चलो अगला प्रश्न क्या है, नेम द इंडियन रूलर ऑफ हरकान्या डायनास्टी, हु वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु एंड हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र। हरकन्या वंश, जल्दी बताओ, हरकन्या डायनास्टी, जल्दी बताओ, हरकन्या वंश के भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। देखो पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि ये मगध की बहुत लंबे समय तक राजधानी रहा है। पाटलिपुत्र का ऐसे छोटे शहर के रूप में गठन तो वैसे अजातशत्रु ने ही किया था, लेकिन अजातशत्रु के बाद उसका जो आगे वंशज है उदयन ने इसे क्या बना दिया, राजधानी बना दिया और इसको एक्सपेंड किया। इसको क्या किया, इसका एक्सपेंशन किया, इसको एक्सपेंड किया। चलो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है, विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड, कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित नहीं है, कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित नहीं है, जरा ये बताओ कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित नहीं है। जबलपुर। चलो अगला प्रश्न क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान से लिया गया, फ्रांस, कैनेडा, सोवियत संघ या ब्रिटेन, फ्रांस, कैनेडा, सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन, जल्दी बताओ। देखो कहां से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। चलो टाइटन द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, जल्दी बताओ जरा क्या इसका आंसर क्या बनता है, जल्दी बताओ जरा। टाइटन जो सबसे बड़ा मून है, मतलब कि सोलर सिस्टम के अंदर दूसरा सबसे बड़ा, वह शनि ग्रह का, किसका, शनि ग्रह का क्या है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है याद रखिएगा। टाइटन सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल सेकेंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, ठीक है बिल्कुल, नेचुरल सैटेलाइट्स इन सैटर्न। एक बार सभी साथी मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, चलिए देखो सैटर्न के पास कुल मिलाकर 83 मतलब उपग्रह हैं, या कह लीजिए कि चंद्रमा, जैसे हमने चंद्रमा रखा है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल 83 है संख्या में, ये बात आप लोग याद रखनी है। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन की ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जहां पर एक्सप्रेस की जाती है, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है, क्या इसका आंसर बनता है, किलो जाउल। विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि अन्य स्त्रावी ग्रंथियों के काम काज को नियंत्रित करती है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एंड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये को ग्रंथि होती क्या है, हमारे शरीर में ग्रंथियां हर शरीर के भाग में है, कोई सबसे बड़ी ग्रंथि भी होगी, कोई सबसे छोटी ग्रंथि भी होगी, हमारे शरीर के भागों में मस्तिष्क, धड़ या टांगे या हाथ, हर जगह पर अलग अलग ग्रंथियां होंगी या किसी में सबसे ज्यादा ग्रंथियां होंगी। ग्रंथि होती है जो किसी न किसी मटेरियल का उत्सर्जन करती है, ठीक है, वो ग्रंथि होती है हमारी बॉडी के अंदर जो किसी न किसी केमिकल का किसी का प्रोडक्शन करती है।
भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए. नेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज. इंडियन सिविल सर्विसेज जल्दी बताओ. भारतीय सिविल सेवा के लिए जल्दी बताओ. इंडियन सिविल सर्विसेज फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई बाय. पहला इंडियन कौन था जिसके द्वारा सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया गया था. 1863. चलो अगला प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है. निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है जरा ये बताओ. चलो देखो पोपीर. क्या इसका आंसर बनता है. पोपीर. बैटल ऑफ करनाल वॉज वॉन बाय पर्शियन किंग नादिर शाह बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ. करनाल की लड़ाई 1739 में फारसी राजा नादिर शाह ने की थी. जल्दी बताओ जरा. चलो बैटल ऑफ करनाल 1739. देखो 24 फरवरी 1739 को ये की गई थी. 1739 को ये की गई थी. नादिर शाह जो कि अफशारिद वंश ईरान से आया था ना ये. ये ईरान से आया था. बिल्कुल नादिर शाह की फोर्सेस ने जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था उसको हरा दिया था. उसको क्या कर दिया था और हरा दिया था. ठीक है. और ये इसके लिए ज्यादा समय लगा. सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर हरा दिया. और 3 घंटे में हराने के बाद भैया दिल्ली तो उनके हाथ में थी और दबा के लूटा उन्होंने दिल्ली को दबा के. ठीक है. चलो अगला प्रश्न. और ये सिर्फ लूटते नहीं थे कत्लेआम भी करते थे वहां पे. ठीक है चलिए अगला प्रश्न. नेम द भारत रत्न रिसिपिएंट हु वाज ए सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर. ही प्लेड ए वाइटल रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन. ही प्लेड ए वाइटल रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन. जल्दी बताओ. क्या इसका आंसर बनता है. धोंधो केशव कारवे. नेम द डिवोशनल फोक सॉन्ग ऑफ मणिपुर यूजुअली संग बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल. डोम काचो खुबकेशी घाको टीटो या बनवासी. खुबकेशी. चलो अगला प्रश्न क्या है. 1970 में भोला चक्रवात के बाद के गणित में बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा. लोहा चारा द्वीप जंबू द्वीप घोरमारा द्वीप या न्यू मोर द्वीप. प्रश्न क्या है कि 1970 में भोला चक्रवात के बाद के गणित में बंगाल की खाड़ी में कौन सा नया द्वीप निकल कर आया था. चक्रवात के बाद एक नया द्वीप निकल कर आया. देखो चक्रवात है तो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ हिला देता है. बहुत सारी मिट्टी अपने साथ क्रिएट कर दी जाती है.
इसे साउथ ताल पट्टी भी कहा जाता है। न्यू मूर आइलैंड। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किस चीज की इकाई है ये बताओ जरा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की है। चुंबकीय प्रवाह का घनत्व। अगला प्रश्न क्या है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस अर्थ पेजेंट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। जो मिस अर्थ है 2001 में शुरू किया गया उसमें सबसे पहली मिस अर्थ पेजेंट के रूप में किन्हें चुना गया था। दिया मिर्जा को, रेटिया फारिया को, निकोली फारिया को या प्रियंका चोपड़ा को। जल्दी बताओ। देखो क्या इसका आंसर बनता है। निकोला फारिया। ठीक है चलो। अगला प्रश्न क्या है। कौन सा भारतीय पर्वत एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है और एक समतल शिखर क्षेत्र और दो चोटियां है। विच इंडियन माउंटेन लुक लाइक ए जायंट पिरामिड एंड हैज ए फ्लैट समिट एरिया एंड टू पीक्स। जल्दी बताओ जरा। सालतोरो कांगड़ी। क्या इसका आंसर बनता है। सालतोरो कांगड़ी इसका आंसर बनता है। ये बात याद रखना। 7742 मीटर की ऊंचाई। 7742 मीटर की ऊंचाई के साथ तो इसकी लेंथ क्या है भैया 80 किलोमीटर। इसकी लेंथ क्या है भैया 80 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये बात याद रखना। ठीक है बिल्कुल। और ये सालतोरो कांगड़ी पीक नंबर 36 है। मतलब सालतोरो कांगड़ी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में एक पूरी की पूरी रेंज है याद रखिएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैव द पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये बताओ जरा। पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जल्दी बताओ। सारे मंदिरों के नाम आपके सामने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, सन्म टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर या दशवतार मंदिर। दशवतार टेम्पल। क्या इसका आंसर बनता है। दशवतार टेम्पल इसका आंसर बनता है। ठीक है बिल्कुल। कहां पर है भैया ये। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। ठीक है कहां पर है ये। बेतवा नदी घाटी है ना जो वहां के। बेतवा नदी घाटी में है ये। कहां पर है। बेतवा नदी घाटी। क्या इसका आंसर बनता है। बेतवा नदी घाटी इसका आंसर बनता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है कब बनाया गया था ये। गुप्ता पीरियड में। कब बनाया गया था ये। गुप्ता पीरियड में। कौन सा खिलाड़ी दिसंबर 2019 में ला लीग का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बना। मतलब पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बने। जल्दी बताओ जरा। एक बार सभी साथी। क्वेश्चन तो भाई काफी है। तुम बताओ कितना करना चाहोगे। क्वेश्चन तो भाई काफी है। आप बताओ कितने करना चाहोगे।
क्वेश्चन तो काफी हैं। क्या बात है, बी तुक्का। चलो कोई नहीं, फोन होल्ड रख के चलते हैं। वाह, संजय कुमार का सही है, काफी लोग सही आ रहे। रोहित शर्मा, क्या इसका आंसर आ रहा है? रोहित शर्मा। चलो अगला प्रश्न भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तारीख को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ ये बता दो जरा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ जल्दी बताओ। टोटल इंडिपेंडेंस लाहौर सेशन में, जल्दी बताओ जरा। पूर्ण स्वराज देखो 19 दिसंबर 1929, ठीक है 19 दिसंबर 1929, और किया गया था 26 जनवरी 1930 को इसकी डेक्लरेशन कर दी गई थी। डेक्लरेशन कर दी गई थी 26 जनवरी 1930 को इसकी डेक्लरेशन कर दी गई थी, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की, जल्दी बताओ, किसी वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को बढ़ाते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया? रॉबर्ट बॉयल, हेनरी मुसले, डिमिट्री मेंडलीव या विलियम रैमवे, रैमसे या विलियम रैमसे, जल्दी बताओ जरा। चलो कौन थे? विच साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हम जानते ना पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, उसका अरेंजमेंट किसके द्वारा किया गया है? उसका अरेंजमेंट किसके द्वारा, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ये पीरियोडिक टेबल, जो केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेसिक है, जिसके बिना जाने आप किसी चीज को नहीं जान सकते, बताओ जरा। देखो क्या इसका आंसर बनता है, डिमिट्री। निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया? अधिसूचित नहीं किया गया, जिंजे फोर्ट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। What is the chemical name of oil of vitriol? Oil of vitriol का रासायनिक नाम क्या है? Oil of vitriol का, जल्दी बताओ जरा। Oil of vitriol का जो नाम है वो क्या है? Sulfuric acid। क्या है? Sulfuric acid। DASD, what is the full form of A? DASD में full form क्या है A की? Arithmetic है, around है, access है या accessible है? जल्दी बताओ। चलो, ये आपका previous year में आया हुआ question है। ये आपका previous year में आया हुआ question है। जल्दी बताओ। क्या इसका answer बनता है? Access। तिब्बत नव वर्ष की शुरुआत किस त्योहार से की गई? Which festival marked the beginning of तिब्बतन न्यू ईयर?
लौसार फेस्टिवल। तिब्बतन ईयर को लौसार फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? लौसार फेस्टिवल के रूप में 12 फेब को। कब मनाया जाता है? लौसार फेस्टिवल के रूप में 12 फरवरी को। 12 फेब को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए When was the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? जल्दी बताओ। बी 1991-92 में। भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है? विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? जल्दी बताओ जरा। देखो, अर्थक्वेक, जब भी भूकंप आता है तो भैया भूकंप की जो तरंगे होती हैं, सिंपल सी बात है कि अगर किसी पॉइंट पर भूकंप आया, समझ लो इस पॉइंट पर भूकंप आया, ये क्या है भैया? एपिक सेंटर, ठीक है, जहां से ये भूकंप निकलता है और इसके फोकस पॉइंट है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर तरंगे तो अभी चारों तरफ ही फ्लो करती हैं। अब हो सकता है कि इस तरंगों का इफेक्ट यहाँ पर होकर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गया होगा, तो जहां जहां पर भी इसका भूकंप सूच यंत्र या सिस्मोग्राफ पड़ा होगा तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार करेगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर रोट द बुक सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स? शीला दीक्षित, क्या इसका आंसर बनता है? राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जल्दी बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। चलो अगला प्रश्न। बिल्कुल, 2019 को निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्री 2019 को निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्री ने हर साल दिए जाने वाले गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत की? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत की, ये बताओ जरा। क्या इसका आंसर बनता है? पुर्तगाल। क्या इसका आंसर बनता है? पुर्तगाल। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार किया? संविधान का मसौदा, जल्दी बताओ। देखो, आपको मोतीलाल नेहरू, असल में हुआ क्या था, ये सारी स्टोरी कहीं 1928 में जाके गिरती है, तो 1928 ही इसका आंसर है। होता क्या है कि 1928 में एक साइमन कमीशन आता है, ये साइमन कमीशन के 7 सदस्य होते हैं और ये सातों के सातों अंग्रेज होते हैं।
ये किस उद्देश्य से आते हैं, किस कारण से आते हैं? इनका सिंपल सा उद्देश्य होता है कि जो 1919 में इन्होंने संवैधानिक सुधार किए होते हैं उनकी समीक्षा करना और देखना कि भारतीय अगले संवैधानिक सुधारों के लिए कितने तैयार हैं, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब देखो, प्रोटेस्ट का सामना कमीशन साइमन कमीशन को करना पड़ा था, जहां जहां भी पहुंची थी पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट हुआ था। कारण क्या था कि ये अंग्रेज, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, 7 सदस्य एक भी भारतीय नहीं, भैया प्रोटेस्ट का रीजन तो बनता ही है कि ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हम भारतीय शासन कर सकते हैं कि नहीं, प्रशासन चला सकते हैं कि नहीं, हम कितने तैयार हैं, इसका प्रोटेस्ट हुआ। इसी के जवाब में एक मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई, जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, और ये नेहरू रिपोर्ट आगे जाके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बनती है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करके आज संविधान की मेन फिलॉसफी हमारे पास है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया, जरा ये बताओ। चलो, भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर, देखो, समरेंद्र कुमार मित्रा। अगला प्रश्न, विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बालों से कौन सा ग्रह बनता है? अरुण ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर नेपच्यून ग्रह? जल्दी बताओ जरा। देखो, वीनस ग्रह, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण। मुगल दरबार के इतिहास में किस भाषा में लिखे गए थे? इन विच लैंग्वेज वर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन? जल्दी बताओ। मुगल के दरबार के इतिहास, जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, या फिर किसी के द्वारा अगर फतवा जारी किया गया है, ये सब चीजें जल्दी बताओ जरा, ये किसके द्वारा जारी किए गए थे? पर्शिया, क्या इसका आंसर बनता है? पर्शिया। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा? हु अमंग द फॉलोइंग रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था, ये बताओ। अकबरनामा भी तीन भाग में बटा है। अकबरनामा एन ए अकबरी, जहां पर अकबर के प्रशासन के ऊपर बात की गई है, अकबर की शासन व्यवस्था के ऊपर बात की गई है। ये बताओ जरा कि ये अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खसुराहो। चमकदार तीव्रता के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? कैंडेला, मोल, एम्पियर, केल्विन? क्या इसका आंसर बनता है? कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? जरा ये बताओ, चिकनकारी पढ़ाई कढ़ाई सबसे ज्यादा कहां पर होती है? इंदौर में, रायपुर में, रांची में, लखनऊ में? जल्दी बताओ जरा। देखो, क्या इसका आंसर बनता है? लखनऊ। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया गया? हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की खोज का श्रेय किसे दिया गया? जल्दी बताओ जरा। देखो, बी इसका आंसर बनता है, जे चैडविक। क्या इसका आंसर बनता है? बी, जे चैडविक। चलो, कंप्यूटिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? देखो, यूआरएल वर्ड यूज होता है इंटरनेट की जब भी यूसेज होती है। इस URL वर्ड का मतलब क्या है, बस आपको इतना बताना है कि इस URL वर्ड का, देखो,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कट थ्रू ए पीर पंजाल रेंज एंड लिंक द मनाली एंड लेह रोड। रोहतांग का दर्रा, क्या इसका आंसर बनता है? रोहतांग का दर्रा। वेयर इज द बिष्णुपुर विच इज फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल्स? जल्दी बताओ जरा, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बिष्णुपुर कहां पर स्थित है? टेराकोटा मंदिरों के लिए स्थित बिष्णुपुर कहां पर स्थित है, जरा ये बताओ। चलो देखो क्या इसका आंसर बनता है, वेस्ट बंगाल। टेराकोटा पता क्या होता है? टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई चीजें, मिट्टी से बने खिलौने हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान का 42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में डाला गया? समानता, समाजवादी, स्वतंत्रता या फिर न्याय? जल्दी बताओ। देखो क्या इसका आंसर बनता है, सोशलिस्ट, समाजवादी इसका आंसर बनता है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? जल्दी बताओ, नेशनल इनकम। विच हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल इनकम? प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल इनकम, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो नेशनल इनकम हमारी जीडीपी होती है, हमारे देश की जो मतलब वैल्यू एडिशन, तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड होता है, एक इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। इन तीन माध्यम से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, भारत में वैल्यू एडिशन मेथड से कैलकुलेट की जाती है। अब इसके चलते वैल्यू एडिशन होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फसल उगाना चाहते हो तो फसल उगाने के लिए बीज भी लेकर आओगे, और भी कई सारे जैसे खाद लेकर आओगे, कीटनाशक लेकर आओगे, अपनी मेहनत लगाओगे, पेट्रोल लगाओगे, ट्रैक्टर का यूज़ करोगे, और भी कुछ करोगे, अपनी मेहनत करोगे। उसके बाद एक समय देने के बाद एक जो उपज निकल कर आती है उसको हम क्या कहते हैं, बीज से फसल बन गई, वैल्यू एडिशन। उस फसल में से अगर गेहूं निकालोगे, उस आटे को फिर आगे जाके बिस्किट बनेगा, तो आटे से बिस्कुट बनना भी एक वैल्यू एडिशन है। कुछ करना उसमें और कुछ नया बना देना उसका, वो वैल्यू एडिशन होता है। तो वो वैल्यू एडिशन के आधार पर भारत में तय करता है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की देश में कितनी जीडीपी रेट चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला गैर भारतीय था, नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान? नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहला गैर भारतीय जिसने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया, पहला गैर भारतीय जिसने भारत का सबसे पहला सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, जल्दी बताओ जरा। क्या इसका आंसर बनता है, अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फर खान, इसे बाबा खान भी कहकर पुकारा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इन्होंने ये किया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इन्होंने ये किया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गांधी के सिद्धांतों के ऊपर मूवमेंट को चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, मतलब टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बुनाई, व्यापार, शिकार करना या खेती करना? खेती करना प्राइमरी एक्टिविटी, हंटिंग करना ही प्राइमरी कहता हूँ, ट्रेडिंग और वेविंग, ट्रेडिंग और वेविंग में से कुछ आएगा, ट्रेडिंग
ये एक सर्विस सेवा के क्षेत्र का एक वर्क है, सेवा के क्षेत्र का मतलब कि देखो अगर आप शिक्षा देते हो वो भी टर्शरी सेक्टर में आती है, अगर आप और भी कई सारी चीजें हैं जो टर्शरी सेक्टर में ही काउंट की जाती हैं, ठीक है। चलिए तो साथियों आप सबको बताना चाहूंगा मशाल बैच के बारे में। आप सबको पता है मशाल बैच के अंदर यूपी के ट्रिपल एससी, यूपी के जो पुलिस एग्जाम्स हैं वो, एसएससी के सभी एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स को कवर किया जा रहा है। तो आप लोग जाकर इसे एक्सेसिबल देखिए, इसे ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये कोर्स आपको वैसे तो 2999 का है लेकिन आपको एक कोड दिया जा रहा है जॉब 50, जिसके चलते मात्र 1499 रुपए का ये कोर्स रह जाता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपकी आज की इस क्लास का फिर अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।